तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पहुंचा हुआ हूं यहां पे, आप देख सकते हैं काफी सारे बकरी का बच्चा देखने के लिए मिल रहा है, जो कि अगर हम बिहार यूपी झारखंड की बात करें तो इस तरह का बकरी का बच्चा हमारे यहां नहीं मिलता और इसका डिमांड बिहार झारखंड पूरे यूपी में बहुत ज्यादा होता है। और तो यहां पे आप देख सकते हैं जो भी बकरी का बच्चा आप देख पा रहे हैं, भागलपुर के एरिया का कोई भी बंदा इनसे संपर्क करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट यहां के बाद ये भागलपुर जाने वाले हैं। ऐसा आप कह सकते हो कि भागलपुर में अगर कोई भी बकरी का बच्चा फोन माध्यम से खरीदना चाहता है तो बिल्कुल आसानी होगा। तो आइए मैं यहाँ के ओनर से मिलवाता हूँ और पूरी जानकारी लेता हूँ कि अगर आप शौक रखते हैं इस तरह के बकरी का तो बिल्कुल आसानी से कैसे खरीद सकें। उससे पहले कहूंगा, अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सूरज भाई, हमारे चैनल में स्वागत है, कैसे हैं आप? स्वागत, बढ़िया है सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट स्टॉप, जैसा कि आपने बोला कि मैं भागलपुर के एरिया में बस आज रात निकल जाऊंगा और सुबह पहुंच जाऊंगा, कहाँ कहाँ रहने वाले हैं भागलपुर? भागलपुर में जैसे गंगा जी का पुल पार करके एक जगह वहाँ पे उतारते हैं। ओके जी हाँ, जैसे भागलपुर के एरिया कोई भी हो गया, जैसे कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, हर जगह मिल जाता, बलिया अलिया सब में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट करके आइए, मिल जाएगा माल। ओके, मैं जो बकरी का बच्चा देख पा रहा हूँ ये सब कितना केजी वेट में होगा? काफी बढ़िया बच्चा देखने मिल रहा है आपका। 14 से 20 केजी तक होगा। 14 से 20 केजी, मुझे तो कुछ ऐसे बच्चे लग रहे हैं जो 20 केजी प्लस भी होगा। हाँ होते हैं, क्योंकि वो फार्म के लिए, वो ब्रीडर के लिए लाते हैं, 2-4 पीस थोड़ा 25 किलो केजी का भी है। अच्छा, जो ब्रीडर के लिए खरीदते हैं वो बड़ा खरीदते हैं? हाँ, थोड़ा बड़ा रहता है ना, जैसे फीमेल से मेल बड़ा रहता है। क्या वजह होता है जो मतलब बड़ा खरीदते हैं, इसका कारण? कारण ये है, जैसे बकरी जल्दी तैयार होता है, बकरा स्लो तैयार होता है, तो बकरी बकरा का कमर हो जाता है, दोनों ब्रीडिंग कार्बन का चालू हो जाता है। अच्छा, ब्रीडिंग कराने के लिए उनको आसान हो जाता है अगर बड़ा खरीदते हैं तो। इसमें पठिया भी लाते हैं आप? जी आधा आधा, आधा पाठी आधा बकरा। ओके, यानी तो फार्म जो करना चाहता होगा उसको तो पठिया की भी जरूरत पड़ती होगी ज्यादा? जी हाँ, जितना मांगेगा उतना पाठी देंगे। ओके, ये सभी सिरोही का क्रॉस ब्रीड है, अगर कोई ओरिजिनल ब्रीड चाहे? इसमें ओरिजिनल भी है, क्रॉस भी है, हर तरीके का है। ज्यादातर देखने मिल रहा है, जैसे कि मान लिया जाए सोजत का किसी को चाहिए ओरिजिनल ब्रीड, वो तो नहीं, तोता परी चाहिए, तोता परी जमुना परी मिल जाएगा, पर वो ऑर्डर पे मिलेगा। ओके, और सोजत नहीं मिलेगा? सोजत भी मिलेगा पर क्रॉस ब्रीड मिलेगा। क्रॉस ब्रीड, सोजत का ओरिजिनल ब्रीड नहीं मिलेगा? नहीं। और तोता परी और ये जमुना परी ये सब जो है कितने रुपए केजी तक मिल जाएगा? वो जमुना परी, तोता परी 700-800 रुपए केजी मिलेगा। 700 से 800 के बीच में लगभग? जी हाँ, ये वाला मेरा 450 रुपए केजी है। कौन सा सिरोही है, बीटल है? ये सभी, ये जो भी क्रॉस ब्रीड में देख पा रहे हैं हम लोग, इसमें ओरिजिनल सिर्फ सिरोही का है, बाकी दूसरा ब्रीड क्रॉस है। जी हाँ, यही ना। तो ओरिजिनल सिरोही ब्रीड अगर कोई खरीदना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का बच्चा, ये आप सामने जो देख पा रहे हो ये ओरिजिनल सिरोही ब्रीड का है। सिरोही एक्चुअली अगर हम बात करें बड़े कान में, ये इस तरह का राजस्थान में सबसे ज्यादा सिरोही पाला जाता है? जी हाँ, वो ऐसा होता है, सिरोही हर जगह सूट हो जाता है, हर जगह टिक जाता है। सिरोही में मोर्टिलिटी कम होता है, ऐसा बोल सकते हैं? कैसा? मोर्टिल मतलब मरता कम है, बीमारियां कम होती है। जी हाँ, जी, इस वजह से इसमें बच्चा बच जाता है। जी हाँ, है ना, इस वजह से ज्यादातर लोग सिरोही पालना पसंद करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। आपका डिमांड ज्यादा क्या रहता है, सिरोही का ही ज्यादा रहता है? सिरोही का ज्यादा रहता है। ओके, ये 450 रुपए केजी उनको घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा? जी हाँ, जैसे घर तक तब पहुंचेगा, 15-20 माल रहेगा, 25 रहेगा, तब 2-4 लेना है, जहाँ पे हम बुलाएंगे वहाँ पे आना पड़ेगा आपको। ओके, 2-4 माल लेना होगा तो आप के लिए नहीं पहुँचाएंगे, कम से कम 10-15 माल होगा तो पहुँचेंगे। जी हाँ, जी हाँ, तब भी पहुँचाने के लिए ऐसा होता है, कोई बुला लेता है अपनी जगह, बुला लिया, हम इतनी दूर से आए, डीजल फूका कुछ भी किया, वहाँ पे आया आदमी नहीं लिया तो दिक्कत हो जाता है ना। ओके, इनको खिलाने में क्या दे रहे हैं अभी? तो मैं खिलाने पत्ती तो राजस्थान वाली पत्ती वही खिला रहे, बाकी जो आपके घर पे वो सब खिलाइए, चम्माड़ बाट डील करते। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भैया ऐसा नहीं कि खरीदूं और एक्सपायर हो जाए, बीमार हो जाए। ऐसा नहीं भाई, देखो कोई राजस्थान का नस्ल है, राजस्थान का माल है, बिहार में आएगा थोड़ा उसका पानी सूट होगा, थोड़ा तो दिक्कत आएगा भाई, पानी सूट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या क्या दिक्कत आता है वो आपको तो एक्सपीरियंस होगा? जी हाँ, दिक्कत ये आता है, जैसे खांसी होगा, जुकाम होगा, खांसेगा, ये दिक्कत आता है। इसके लिए क्या करना चाहिए लोग? इसके लिए सरसों का तेल, मेथी दाना डाल के उसके नाक और मुंह में डालिए, नाक में भी हल्का डाल दीजिए और मुंह में भी खिला दीजिए। हाँ, क्योंकि सफर करके आता हवा लगता है, इसलिए उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। ओके, और कोई बीमारी नहीं? और कोई बीमारी नहीं। अभी एक बच्चे का दाम कितना पड़ता है लगभग? एक बच्चा ऐसे मान के चलिए 6,500 से 9,000 तक का, मतलब 14 किलो से 20 किलो तक, 450 रुपये के जी। 6,500 से 9,000 तक के पड़ेगा? जी हाँ, जी उनको। और 10 बच्चा अगर कोई लेता है तो अब जब भी जिस एरिया में जाइएगा वहाँ तक पहुँचा कर दिया जाएगा? जी हाँ, जी 10 नहीं ज़्यादा ना, 15-20 माल लेगा तब घर तक भी पहुँच जाएगा। 10 बच्चे में नहीं, 10 बच्चे कम हो जाते हैं ना, गाड़ी खर्चा वो हो जाता है ना।
अगर आओगे तो थोड़ा बहुत हम भी समझ लेंगे, आपका गाड़ी करके लाओगे तो थोड़ा बहुत भाड़ा समझ लेंगे। ज्यादातर लोग कौन से आदमी खरीदता है, एक दो पालने वाला या 10-15-20 पाल? आखिरी के मिलते, जैसे जैसे किसी ने बुलाया फार्म में 10-15 माल लिया, देखे दोनों फटकर गाँव वाले भी 2-4 ले लेते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, यानी कि कोई अब देख, ये तो नहीं मिलता है ना हमारे यहाँ, ये तो ज्यादा लोग शौक रखते होंगे। शौक से भी आदमी पाल, जैसे हमने कहीं उतार दिया वहाँ मेरी बिक्री होने लगती है, हम फार्म भी दे देते, फुटकर भी बेच लेते, मेरा बिचे के जैसे भी बिके हम दे देते हैं। ओके, किसान भाई कैसे भी ले हम हर तरीके दे। अगर कोई बंदा 20-25 खरीदना चाहता है लॉट में, ज्यादा खरीदना चाहेगा, तो उसको कुछ कम हो जाएगा? नहीं, पूरा घर तक पहुँचेगा तो उसमें नहीं कम होता है। कुछ कम कर दीजिए ना, क्योंकि 20-25 बंदा अगर खरीदता है तो मान सम्मान तो रखना ही पड़ेगा आपको। वो तो बात सही है, पर थोड़ा 19-20 हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम भी इतनी दूर से आते हैं, आपके घर तक आए हैं, गाड़ी खर्चा, पुलिस खर्चा, हर चीज़ आता है, लेबर खर्चा, हर चीज़ आता है ना, महंगा हो गया पहले से माल। और डीजल वगैरह का बढ़ने का वैसे ज़्यादा? जी हाँ, डीजल तो आपके बिहार में तो 110-105-108 में से चल रहा है, और यूपी में? यूपी में 95-96, इससे ज़्यादा है नहीं। यूपी में 95 रुपये? जी हाँ, मतलब 10-15 रुपये का फर्क है। जी हाँ, क्यों नहीं फर्क, आप देख लें, अभी तो आप यूपी में हो, जाओ किसी पेट्रोल पंप पे चेक कर लेना क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी इस बकरी के बारे में दिया गया, ये बिहार में नहीं मिलने की वजह से थोड़ा कॉस्टली हम लोगों को खरीदना पड़ता है। अगर कोई भाई भी इनसे खरीदना चाहे तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया हुआ है, संपर्क कर लें और अपने घर तक जरूर मंगवा लें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।